एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में लिली नाम की 10वीं कक्षा की एक प्रतिभाशाली और जिज्ञासु लड़की रहती थी। लिली अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और विचारों से प्रेरित प्रश्न पूछने की क्षमता के लिए जानी जाती थी। उसके पास एक प्राकृतिक सुंदरता थी जो उसके जिज्ञासु दिमाग से मेल खाती थी। एक धूप भरी दोपहर में जब लिली अपने शयन कक्ष के दर्पण के सामने खड़ी थी, अपने प्रतिबिंब को निहार रही थी, उसके मन में एक अजीब विचार आया। उसने अपनी माँ की ओर मुड़ते हुए पूछा, माँ, अगर एक दर्पण हमारी एक आदर्श छवि बना सकता है तो वह हमारी तरह बात क्यों नहीं कर सकता? लिली के सवाल से हैरान होकर उसकी माँ मुस्कुराई और उसके पास बैठ गई। वह जानती थी कि यह उसकी बेटी के साथ एक सार्थक कहानी साझा करने का अवसर था। एक गहरी सांस लेते हुए वह बहुत पहले की एक कहानी बुनने लगी जब दर्पणों में बोलने की शक्ति होती थी। मेरी प्यारी लिली, उसकी माँ ने शुरू किया, प्राचीन काल में दर्पणों के पास एक अनोखा उपहार था, न केवल हमारी उपस्थिति को प्रतिबिंबित करने की क्षमता, बल्कि अपनी मंत्रमुग्ध आवाजों का उपयोग करके हमारे साथ संवाद करने की क्षमता भी। लिली की आंखें आकर्षण से चौड़ी हो गई और वह हर शब्द सुनने के लिए माँ के करीब आ गई। उसकी माँ ने आगे कहा, जैसा कि आप कल्पना कर सकती हैं, लिली, लोग इस असाधारण घटना से आश्चर्यचकित थे। दर्पण सलाह दे सकते थे, कहानियाँ साझा कर सकते थे और उन लोगों को मार्गदर्शन प्रदान कर सकते थे जो अपने ज्ञान की तलाश में थे। दर्पण के रूप में एक साथी का होना एक अविश्वसनीय उपहार की तरह लग रहा था। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों ने दर्पण की शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। कुछ दर्पणों ने कहानियां गढ़ना और झूठी जानकारी फैलाना शुरू कर दिया। वे अपनी बात करने और समझाने की क्षमता से भ्रम पैदा करेंगे और लोगों को गुमराह करेंगे। विश्वास खत्म होने के कारण समाज जल्द ही अराजकता में गिर गया और कोई नहीं जानता था कि किस पर नहीं या किस पर विश्वास किया जाए। उसकी माँ ने समझाया। इंसान चिंतित हो गए, लिली, उन्हें एहसास हुआ कि दर्पण अब जानकारी के विश्वसनीय स्रोत नहीं रहे। वे दर्पणों से गूंजने वाली भ्रामक आवाजों के बजाय सच्चाई और प्रामाणिकता के लिए उत्सुक थे। अपनी हताशा में लोग एक साथ इकट्ठे हुए और अपनी दुर्दशा के समाधान की तलाश में स्वर्ग से प्रार्थना की। उन्होंने मार्गदर्शन की याचना की और अपने जीवन में ईमानदारी और विश्वास बहाल करने का रास्ता खोजा। उनकी सच्ची प्रार्थनाओं से प्रभावित होकर उसकी माँ ने आगे कहा, भगवान ने उनकी विनती सुनी और हस्तक्षेप करने का फैसला किया। उनके अनुरोध के जवाब में भगवान ने दर्पणों से आवाजें हटा दी और उन्हें हमेशा के लिए चुप कर दिया। लिली ध्यान से सुन रही थी। उसकी कल्पना में एक ऐसी दुनिया की छवियां उभर रही थी जहां दर्पण एक बार बोलते थे और लोगों के जीवन पर प्रभाव डालते थे। उसकी माँ ने निष्कर्ष निकाला और इसलिए लिली, उस दिन के बाद से दर्पणों ने बात करने की अपनी क्षमता खो दी। हालांकि वे अभी भी हमारी छवियों को प्रतिबिंबित करते थे, लेकिन उनका मौन स्वभाव सच्चाई, अखंडता और हमारे स्वयं के विवेक के महत्व की याद दिलाता है, वास्तविकता को भ्रम से अलग करना। लिली की आंखें समझ से चमक उठीं क्योंकि उसने अपनी माँ द्वारा साझा की गई गहन सीख को आत्मसात कर लिया। उसने महसूस किया कि किसी भी उपहार की तरह बोलने की शक्ति का भी दुरुपयोग किया जा सकता है और अराजकता पैदा हो सकती है। उस दिन से लिली ने सच्चाई को महत्व दिया और न केवल बाहरी स्रोतों पर बल्कि अपनी आलोचनात्मक सोच पर भरोसा करते हुए हर चीज पर सवाल उठाने की कसम खाई। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना।